है। तो चैप्टर नंबर टू आपका जो सेबी है, ये प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। हालांकि ये पहले कराना चाहिए था, बट इसकी ज्यादा रेलिवेंसी नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर वन में थोड़ा बहुत यूज होता है, चैप्टर नंबर थ्री में थोड़ा बहुत यूज होता है। अब ये चैप्टर आपका आधा हुआ पड़ा है, दैट मीन्स ये मत मानो कि सर 30 पेजेस है और 4 दिन में कैसे होगा, क्योंकि 4 दिन में कराना है ये मुझे, सैटरडे तक ये कंफर्म हो जाएगा आपका। अब इसे ये मत समझो कि सर ये 30 पेजेस है, ये 30 पेजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आधा चैप्टर आप कर चुके हो। अगर आपने चैप्टर नंबर 12 एनसीएलटी ढंग से पढ़ा है, तो एनसीएलटी में आधा चैप्टर ये हो गया। चैप्टर नंबर वन में कुछ टॉपिक्स हो गए इसके, ठीक है, चैप्टर नंबर वन में कुछ टॉपिक हो रखे हैं, चैप्टर नंबर 12 एनसीएलटी में कुछ टॉपिक हो रखे हैं। तो अगर आपने जूरिस का एनसीएलटी अच्छे से पढ़ रखा है, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मनीषा, गुड मॉर्निंग पल्लवी, गुड मॉर्निंग नेहा, डन। गुड मॉर्निंग, ये सीमा नाम से कौन आता है, गुड मॉर्निंग सीमा। अब ये चैप्टर बड़ा इजी सा चैप्टर है, मतलब ऐसे कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी सा है, बट प्योर थ्योरी है, तो सो मत जाना। कोई कभी पढ़ते पढ़ते सर ये तो ज्यादा ही थ्योरी हो गई है और हमें तो नींद आ रही है, तो सोना नहीं है, जागते रहना है, ठीक है। वो ठंडा पानी लेके बैठो और नींद आए तो अपने सिर पे डाल लो। तो ये है जो चैप्टर है, क्योंकि प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब इस चैप्टर में क्या बताया गया, इस चैप्टर में सेबी बताया गया। सर सेबी के बारे में हमें पता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाँ फुल फॉर्म पता है हमें, ठीक है। अब सेबी की पावर्स क्या है, सेबी की पावर्स क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या है, ये हर चैप्टर, ये इतने सारे चैप्टर तुमने पढ़ लिए ना, तुमने पूरा पढ़ रखा है, सिवाय एक टॉपिक आएगा जहां पे पेनल्टी आएगी, और वो आएगी पेनल्टी सीआईएस के लिए और म्यूचुअल फंड के लिए। ये छोड़ के तुमने सब कुछ पढ़ रखा है इस चैप्टर में। ये एक टॉपिक है जो तुम्हारा रहता है, इसके अलावा तुम सेबी का लगभग चैप्टर पढ़ चुके हो, क्योंकि सेबी वाले चैप्टर में पढ़ाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 है क्या? बोले 1992 से पहले जो सिक्योरिटीज मार्केट थी, इसका जो कंट्रोल था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास था, तो इन्होंने कंट्रोलर अपॉइंट कर रखा था सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। 1991 में जब लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो 1992 में एक सेबी एक्ट पास हुआ और एक बॉडी बनाई गई, एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, सेबी। अब ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये इसका क्या है, इसके वही परपेचुअल सक्सेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, सील है इसकी, अपनी पावर है इसके पास एक्वायर करने की, होल्ड करने की सिक्योरिटीज, और सेबी का भी एक बोर्ड है। हम बार बार एक बोर्ड पढ़ते हैं ना सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में जहां भी वर्ड बोर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, सेबी। और बोर्ड का मतलब क्या है कि जो सेबी किन किन लोगों, ये सेबी का जो बोर्ड है कितने लोगों को मिला के बना है, कि सेबी का एक चेयरमैन होगा, सेबी में कुछ अदर मेंबर्स होंगे जिनमें से कुछ फुल टाइम होंगे और कुछ क्या होंगे, पार्ट टाइम होंगे, कुछ नॉमिनेटेड होंगे और कुछ अपॉइंटेड होंगे। तो ये सेबी का बोर्ड हमें पढ़ना है, छोटा सा बोर्ड दिया गया, फिर सेबी की पावर्स दी गई, और बहुत सारी पावर्स, मतलब पावर्स ही इतनी सारी है कि पावर्स को पढ़ने में हो सकता है 1-1.5 क्लास लग जाए। फिर पावर्स के बाद आपको सेकंड पार्ट जो पढ़ाया गया वो सेट पढ़ाया गया है, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। सेट इज जस्ट लाइक एनसीएलटी, मैंने कहा ना कि आधा चैप्टर एनसीएलटी है, तो जैसे आप क्या पढ़कर आए हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पढ़कर आए हो, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल पढ़कर आए हो, सेम क्या दे रखा है आपका, सेट दे रखा है सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। वन ऑफ द पावर ऑफ सेबी क्या है, एडजुडिकेट करना। चैप्टर नंबर वन में पढ़कर आए थे ना, सेबी की पावर टू एडजुडिकेट, क्या किया जाता था, एक पर्सन अपॉइंट किया जाता था, कौन, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ, याद है ये वाला टॉपिक, एज इट इज टॉपिक है। सेबी की वन ऑफ द पावर क्या है, ग्रांट इम्यूनिटी, ठीक है, यहाँ पे वही दिया गया है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर याद है क्या करने की, सुपरसीड करने की, वहां क्या था, स्टॉक एक्सचेंज को सुपरसीड किया था, या किसको किया जाएगा, सेबी को किया जाएगा, सेबी को हटा दिया जाएगा अगर सेबी ढंग से काम नहीं करेगा। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, वहां भी पढ़ा था ना, सेबी की रिकमेंडेशन पे किसी भी पर्सन को क्या किया जा सकता है, इम्यूनिटी ग्रांट की जा सकती है। सर सेम टॉपिक यहां पर है, वहां आपने पढ़ा था
सेटलमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग की सेटलमेंट की जा सकती है, तो यहां भी सेटलमेंट ही की जा सकती है। सिर्फ क्या बदल दिया सर? सेक्शन नंबर बदल दिया, सिर्फ सेक्शन नंबर बदल दिया, बाकी एज इट इज पढ़ाया गया। पावर ऑफ सीजी, पावर ऑफ सेबी लगभग वैसी है। वहां भी आप टॉपिक पढ़कर आए थे, रिकवरी ऑफ फाइन्स, कि अगर किसी ने पेनल्टी पे नहीं करी, किसी ने फीस ड्यू पे नहीं करी, तो कैसे रिकवर करेंगे? एक रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करके। अब वो रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा? वो हम सर हम टॉपिक पढ़ाए थे लास्ट, हमने कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स पढ़ा था, कि अगर कोई पर्सन मर जाता है और उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग ऑलरेडी इनिशिएटेड है, तो बेटे के नाम पे या बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। और दूसरा हमने पढ़ा था कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो हो जाती ना, तो वो वाला टॉपिक भी दोबारा पढ़ना है। तो सर आधा चैप्टर सेकरा है, आधा चैप्टर एनसीएलटी है, बचा हुआ चैप्टर हम पढ़ा देंगे। ठीक है, अब चैप्टर हो गया है, देखो चैप्टर कहने को आधे से ज्यादा हुआ पड़ा है, क्योंकि मैं अभी टिक लगवा रहा हूं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बेसिक करा के फिर मैं कहूंगा टिक लगाओ, तुमने क्या क्या पढ़ रखा है, फिर तुम कहोगे सर आधा चैप्टर हमारा हो रखा है। डन, अब आते हैं टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश ऑन अप्रैल 12, 1992। ये जो सेबी है, ये एस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 12, 1992 से, और किसके अकॉर्डिंग? सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग। और सेबी एक्ट 30 जैन से स्टार्ट हुआ था, तो जैन से स्टार्ट हुआ, लेकिन बोर्ड बनाने में, दैट मीन्स बोर्ड एस्टेब्लिश करने में टाइम लग गया। तो बोर्ड किस दिन एस्टेब्लिश हुआ? 12 अप्रैल 1992 को। ये अपनी तरह की फर्स्ट स्टेचरी बॉडी थी, जो 1992 के रिफॉर्म्स के बाद बनाई गई थी। 1992 ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के बाद सेबी पहली बॉडी थी, पहली स्टेचरी बॉडी जो रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, वाज द सेबी। अब सेबी क्या करता है? बेसिकली सेबी का काम है स्पेसिफाई करना कौन कौन से मैटर का आपको डिस्क्लोजर करना है। तो सेबी बताता है ना, एलओडीआर कौन लेकर आया, रेगुलेशन बनाने की पावर किसकी थी? सेबी की। तो सेबी ने बनाई है रेगुलेशन हर चीज को रेगुलेट करने के लिए। सेबी ने बताया स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर क्या रहेगा, ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी क्या देता है? डायरेक्शन देता है ऑल इंटरमीडियरीज को एंड अदर पर्सन एसोसिएटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर ऑर्डनली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी क्या कर सकता है कि मार्केट ठीक रहे, इसके लिए इंक्वायरीज, ऑडिट, इंस्पेक्शन करा सकता है, और पावर टू एडजुडिकेट भी है। अब इस चैप्टर में यही सब पढ़ना। ये जो थर्ड पार्ट है ये आपका रहता है, इस चैप्टर में यही पार्ट पढ़ना है। पहले दो चीजें आप पढ़ के आ चुके हो सर। पहली दो चीजें कहां पढ़ी थी? अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह आपने पढ़ लिया। ये डिस्क्लोजर करना है सेबी को, ये डिस्क्लोजर करना है सेबी को, ये बताना है, ये चीजें करनी है, सब पढ़ लिया। सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट सेबी ने लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स लिए हैं मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेबी एम्पावर्ड है क्या फ्रेम करने के लिए? सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन, दैट मीन्स रेगुलेशंस बनाई ना सेबी ने। सेबी के पास पावर है लॉ मेकिंग पावर, तो सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन है, क्योंकि प्राइमरी तो कौन होता है? पार्लियामेंट होता है। एंड पावर टू इन्वेस्टिगेट, यानी कोर्ट की पावर भी है इसके पास इन्वेस्टिगेट करने की, पेनल्टीज लगाने की, रिसर्च सर्च और सीजर करने की ऑपरेशन। इन शॉर्ट, सेबी हैज बीन गिवन ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी टू रेगुलेट और डेवलप एन ऑर्डिनरी सिक्योरिटी मार्केट। और मैं आपके अच्छे के लिए बता दूं, ये पेपर में 2 बार पूछी जा चुकी है ये लाइन, ये पेपर में 2 बार लाइन आ चुकी है कि सेबी हैज बीन गिवन द नेसेसरी ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी टू रेगुलेट और डेवलप एन ऑर्डिनरी सिक्योरिटी मार्केट। और लास्ट में लिख दिया कमेंट, ठीक है, लास्ट में लिख दिया एक्सप्लेन, कुछ भी लिख दिया जाएगा, ये सेबी की मर्जी है, मतलब आईसीएसआई की। सेबी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, सेबी पूरे एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई है। और सेबी एक्ट कब से आया था? मैंने आपको पहले बताया, 30 जून से आया, सॉरी 30 जैन से आया था, लेकिन सेबी को एस्टेब्लिश होने में, बोर्ड को एस्टेब्लिश होने में टाइम लग गया। डन भाई, ऑलरेडी हो रखा है कोल्ड पल्लवी, ठीक है, तो दूर ही रहना भाई, तुम भी दूर ही रहना ठंडे पानी से। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि सेबी की कहानी इसी के इर्द गिर्द है। सेबी के यही 3 मेन फंक्शन है जिसके लिए सेबी ने इतना तामझाम किया, इतनी सारी चीजें करी है। तो सेबी का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। सेबी का काम क्या है? डेवलप करना सिक्योरिटीज मार्केट को। और सेबी का काम क्या है? रेगुलेट करना, डेवलप करना, रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना, यही 3 काम है जिसके लिए सेबी बना है।
इन्वेस्टर को बचाने के लिए, मार्केट को डेवलप करने के लिए और मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी बना है। अब यही फंक्शन है, यही ऑब्जेक्टिव है और यही फंक्शन है, क्योंकि आगे यही दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। तो एस्टेब्लिशमेंट क्या है, सेबी क्या है, सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सेबी किस नाम से जाना जाएगा, सेबी शैल बी ए बोर्ड बाय द नेम ऑफ सेबी। सेबी एक्ट में क्या बोला कि देयर शैल बी ए बोर्ड, तो एक बोर्ड होगा जिसको किसके नाम से जाना जाएगा, सेबी के नाम से जाना जाएगा, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील वही एक्वायर होल्ड प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सू और बींग सूड, और हेड ऑफिस कहाँ होगा, मुंबई में होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मली दिया गया है, इसमें से तो कुछ नया दिया ही नहीं है। अब मैनेजमेंट ऑफ सेबी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मैनेजमेंट ऑफ सेबी मतलब सेबी में कौन कौन है, सेबी यानी बोर्ड में कौन कौन है, तो बोर्ड कंसिस्ट ऑफ, बोर्ड का कंपोजिशन ये है कि बोर्ड में क्या होगा, एक चेयरमैन होगा, बोर्ड में दो मेंबर्स होंगे जो कहां से आएंगे, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आएगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आएगा। ठीक है, दो मेंबर आएंगे, एक कहां से आएगा, एक ऑफिशियल है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किससे डील कर रही है, फाइनेंस से, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और एक जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कंपनीज अफेयर की, तो ऐसी मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एक चेयरमैन हो गया, दो मेंबर कहां से आए, दो मेंबर आए अलग अलग मिनिस्ट्री से, एक मेंबर आया आरबीआई से, एक कहां से आया, आरबीआई से आया, तो आरबीआई ने नॉमिनेट कर दिया, तो आरबीआई के ऑफिशियल्स में से। इसके अलावा फाइव अदर मेंबर्स ये अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, पहला चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा, चेयरमैन क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा नॉमिनेट किए जाएंगे दो मेंबर मिनिस्ट्री से, एक मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, और पांच अदर मेंबर जिनमें से तीन क्या होने चाहिए, फुल टाइम होने चाहिए, जिनमें से तीन क्या होने चाहिए, फुल टाइम मेंबर होने चाहिए, इनको अपॉइंट करेगी कौन, सेंटर गवर्नमेंट। डन भाई, सिंपल दिया गया बहुत, कि सेबी क्या है, सेबी की पावर्स क्या है, सेबी किस लिए फंक्शन कर रहा है। ये सेबी का बोर्ड है फिलहाल, ठीक है, ये सेबी का बोर्ड है, ये नई अपॉइंटेड चेयरमैन है, अभी लेटेस्ट अपॉइंट हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, ये होल टाइम मेंबर है। ठीक है, होल टाइम मेंबर पता था ना कि तीन क्या होने चाहिए, इसमें से फुल टाइम आने चाहिए, होल टाइम मेंबर है, देखो ये तीन होल टाइम मेंबर दिए गए, चार बना रखे हैं बेसिकली, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट, तो आप तीन से ज्यादा तो बना ही सकते हो, ये पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। ठीक है, ये पार्ट टाइम मेंबर्स है सेबी के, और इन्हीं में से पार्ट टाइम में से ये देखो, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, दिख रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से है, सेकेंड वाला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से है, और थर्ड वाला आरबीआई का डिप्टी गवर्नर है, थर्ड वाला क्या है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर है, और इसके अलावा एक पार्ट टाइम मेंबर और है, क्योंकि पांच पार्ट टाइम, क्योंकि पांच मेंबर होने चाहिए ना, तो चार हमने फुल टाइम बना रखे हैं और एक हमने नॉर्मली पार्ट टाइम मेंबर बना रखा है। ये कहां से है, ये प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम बेंगलोर में, आईआईएम बेंगलोर में ये प्रोफेसर है, और उसके हिसाब से अपॉइंट कर रखा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन इनकी बहुत ज्यादा होगी, क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मिलेगी इनकी। डन भाई, क्लियर है भाई, ये सेबी का बोर्ड है फिलहाल, हमें याद नहीं करना कि कौन है कौन नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पावर है कौन से वाली, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और मैनेजमेंट किसके हाथ में है, बोर्ड के हाथों में, दैट मीन्स ये जो मेंबर्स हैं इनके पास पावर्स है। फिर चेयरमैन क्या करेगा, चेयरमैन आल्सो हैव पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन द अफेयर्स ऑफ ए बोर्ड एंड ऑल पावर्स जो भी जरूरी है। चेयरमैन और ऑल अदर मेंबर क्या होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी होंगे, और इनके पास क्या होगी, नॉलेज होगी लॉ की, फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटेंसी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, या इन एनी अदर डिसिप्लिन, या इसके अलावा कोई भी अदर डिसिप्लिन। सिंपल दिया गया है कि ये जो मेंबर्स है, ये जो मेंबर्स है बोर्ड के, इनके पास पावर है सेबी को संभालने की, चेयरमैन के पास भी पावर है क्या करने की, सेबी को संभालने की, और क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, बोले ये पर्सन होने चाहिए एबिलिटी इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग, और इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ का, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का, इसमें से किसी भी फील्ड का कोई भी। ठीक है, यहां तक तो सर सिंपल था,
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन एंड पावर ऑफ द बुक। फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सर, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन एक ही बोला था ना, पढ़ के देख लो, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन एक ही है। पहला फंक्शन जो सेक्शन 11 में दिया गया है वो यही दिया गया है, लेकिन यहां एक वर्ड क्या है, बाय सच मेजर, कह रहे कि सेबी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा और डेवलप करेगा किसको, सिक्योरिटीज मार्केट को, किसके द्वारा, बाय सच मेजर एज इज सिंग फिट। सेबी का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, डेवलप करना सिक्योरिटीज मार्केट को, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को, लेकिन ये जो काम है इसके लिए सेबी कुछ मेजर्स पर, मेजर मतलब इसके कुछ तरीके हैं, वो तरीके क्या है, द मेजर में प्रोवाइड फॉर। अब वो मेजर कौन कौन से है, रेगुलेट करेगा किसका बिजनेस, स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस, कि स्टॉक एक्सचेंज ढंग से काम करे, ये देखना किसकी जिम्मेदारी है, सेबी की जिम्मेदारी है, ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप किया जा सके और रेगुलेट किया जा सके। तो रेगुलेट ही तो कर रहा है, रेगुलेट ही तो कर रहा है किसको, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और टेक ओवर, इसीलिए क्या बनाई गई, SAST रेगुलेशन बनाई गई, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, इसीलिए PIT रेगुलेशन बनाई गई, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, इसके लिए भी एक रेगुलेशन है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं जाती है, एक चैप्टर में आई थी ये, रजिस्ट्रिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्कर ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये जितनी भी इंटरमीडियरी है ये तीन पॉइंटों में लिखी, पहला पॉइंट रजिस्ट्रिंग और रेगुलेटिंग, दूसरा पॉइंट रजिस्ट्रिंग और रेगुलेटिंग, और तीसरा पॉइंट रजिस्ट्रिंग और रेगुलेटिंग, पढ़ के देख लो, ये वो सारे पॉइंट है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, ये वो सारे नाम लिखे हैं जो तुमने पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े तो बता दो, ऑलरेडी सारे पॉइंट पढ़ाए। पहला देखो ई पॉइंट, चैप्टर नंबर 16 याद है, चैप्टर नंबर 16 में सर यही तो थे, कौन, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू इश्यू, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और सच अदर इंटरमीडिएट। तो चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था कि कौन रेगुलेट कर रहे हैं और ये किसके पास रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा रही थी, सेबी के पास ही तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाई थी इन्होंने। फिर क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रिंग और रेगुलेट द वर्किंग ऑफ डिपोजिटरी, तो डिपोजिटरी यानी हमारी जो दो डिपोजिटरीज है, डिपोजिटरी एक्ट में क्या पढ़ा था कि कोई भी डिपोजिटरी तब तक एक्ट नहीं कर सकती एज ए डिपोजिटरी जब तक क्या ना मिले, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिले। फिर पार्टिसिपेंट है, कस्टोडियन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और सच अदर इंटरमीडियरी, बोले सर ये भी नाम हमने सुने हुए, तो इनको रजिस्टर और रेगुलेट कर रहे हैं। फिर वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, आपका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड बाकी है, बाकी आपका हो गया। प्रमोट करना और रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, जैसे ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड, ये जो म्यूचुअल फंड की एक एसोसिएशन बनी हुई है ऑल इंडिया लेवल पे, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, ये तो सेबी का मेन फंक्शन है, एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी और सिक्योरिटीज मार्केट। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन और अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट, किसी की, स्टॉक एक्सचेंज की, म्यूचुअल फंड की, यानी इंटरमीडियरी की क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं और उनकी क्या कर सकते हैं, ऑडिट वोडिट करा सकते हैं जब भी जरूरी लगेगा। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड, आप इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं किसी भी पर्सन से, बैंक से, अथॉरिटी से, बोर्ड से, कॉरपोरेशन जो एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड है, किसी सेंट्रल एक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसी इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए, फ्रॉम सच एजेंसीज जो जरूरी लगे, सेबी को जिनसे भी इंफॉर्मेशन चाहिए सेबी किसी से मंगवा सकता है, और इवन फ्रॉम अथॉरिटीज जो चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया है, जिनके फंक्शन किसके जैसे है, सेबी के जैसे है, उनसे क्या कर सकता है, सेबी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है। डन, तो सेबी क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है, सेबी कंडक्ट कर सकता है रिसर्च ऊपर वाले पर्पज के लिए, सेबी लिवाई कर सकता है फीस और अदर चार्जेस, परफॉर्म कर सकता है वो फंक्शन जो सेकरा में दिए गए हैं, सेकरा में याद है ना सीजी के पास पावर, सीजी की पावर क्या की गई थी, डेलीगेट की गई थी ना, सीजी की अलग अलग चीजों की पावर स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने की किसको दी गई है, सेबी को दी गई है, और परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज बी प्रिस्क्राइब। अब ये क्या है, मैंने ऊपर नीचे कर दिए, ऊपर नीचे इन द सेंस मैं पहले भी ऐसे ही पढ़ाता हूं कि कैसे याद करना है, दो रेगुलेट याद करना है, कैसे याद करना है, दो प्रोहिबिट याद करना है,
कैसे याद करना है सर? तीन रजिस्टर एंड रेगुलेट याद करना है, तीन रजिस्टर एंड रेगुलेट याद करना है सर। दो प्रमोट याद करना है, दो प्रमोट याद करना है सर। दो कोल याद करनी है, दो कोल याद करनी है, फिर लास्ट वाला और एक और सी से है रिसर्च, वो कंडक्टिंग रिसर्च। अब लास्ट वाले आपको दो परफॉर्म है, दो परफॉर्म है, एक लास्ट आपको करना पड़ेगा खुद से लिवाइस पीस। कोशिश पहले हमेशा सारों की करनी चाहिए, ठीक है? जब तक हम पेपर के लेवल पे नहीं आते तब तक तो कोशिश करो सारे याद करने की। तो आसान है ना, देखो दो रेगुलेट करने हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज को और एक किसको, सब्सटेंशियल एक्विजिशन को। दो प्रोहिबिट की गई है, इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। दो तीन रजिस्टर है, रजिस्टर और रेगुलेट में कुछ भी लिखाओ, किसी भी इंटरमीडिएट का नाम ऊपर नीचे कहीं लिखाओ, कौन पूछ रहा है? इतना थोड़ा कोई देख रहा है कि ऊपर नीचे नाम लिख दिए, ठीक है? लेकिन बना के आओ तीन पॉइंट, रजिस्टर एंड रेगुलेट। फिर क्या लिखा गया? फिर प्रमोट करना है एक इन्वेस्टर एजुकेशन जो सेबी के फंक्शन से क्लियर हो गया, और एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना है। फिर इन्फॉर्मेशन कॉल क्या करनी होती है, हमेशा इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन पहले किससे मंगवा लो? इंटरमीडियरी से मंगवा लो, फिर किसी भी इंसान से मंगवा लो। पहली इंटरमीडियरी से मंगवा लो और दूसरी किसी भी इंसान से मंगवा लो। रिसर्च कर सकते हो, कंडक्ट परफॉर्म करनी है वो ड्यूटीज जो सेक्रा में दी गई है, परफॉर्म करनी है सच अदर फंक्शंस। डन भाई, डन है? बताना भी फटाफट से। करो भाई रिप्लाई करो फटाफट से। कर दो आलसी हो। ओके डन। अब पावर्स है सेबी की। देखो पावर हमने पहला हमने क्या पढ़ा, फंक्शन पढ़ लिया सेबी का, और फंक्शन में हमने मेजर्स भी पढ़ लिए कि कौन कौन से मेजर है जो सेबी अपनाएगा क्या करने के लिए, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब पावर स्टार्ट हो रही है सेबी की। अब क्या स्टार्ट हो रही है? पावर। तो बीच बीच में पावर्स आएंगी, बीच बीच में अलग अलग काम आएंगे। तो पावर क्या है बोर्ड के पास कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स और डॉक्यूमेंट्स। अब इसके साथ में लिख लो किसकी, लिस्टेड कंपनी की। और लिस्टेड कंपनी जहां भी आए वहां याद रखना, आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपके पास ग्राउंड्स नहीं होंगे। कौन से ग्राउंड्स? कि दैट कंपनी इन्वॉल्व है किसमें, इनसाइडर ट्रेडिंग में या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में। जब भी लिस्टेड कंपनी या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी की बात आएगी तो सेबी की पावर्स में जहां भी लिस्टेड कंपनी लिखा है वहां पे क्या होना जरूरी है, ग्राउंड होना जरूरी है कि कंपनी इंडल्ज है। कंपनी इंडल्ज है किसमें, इनसाइडर ट्रेडिंग में या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, तभी आप क्या कर पाओगे, कोई भी इंस्पेक्शन सर्च कर पाओगे। इंटरमीडियरी की करनी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिस्टेड कंपनी की करनी हो तो रीजन होना चाहिए। क्या कह रहा हूं देखो समझो, इंटरमीडियरी की करनी हो, अगर आपको क्या करना है, इंटरमीडियरी की करनी है तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राउंड, किसी ग्राउंड की जरूरत नहीं है। लग रहा है जाके चेकिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी की करनी है तो एक ही ग्राउंड चाहिए कि कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में है, कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में। तो पहला क्या दिया गया, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स और डॉक्यूमेंट, किसके, लिस्टेड कंपनी के। तो क्या होना जरूरी है सर, ग्राउंड होना जरूरी है। कौन सा ग्राउंड, कि कंपनी इंडल्ज है। बोले आप चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी क्या कर सकती है, सॉरी सेबी क्या कर सकता है, सेबी अंडरटेक कर सकता है, टेक मेजर टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, सर ये तो लिस्टेड आ गया, या फिर वो पब्लिक कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना चाहती है। लेकिन क्या होना जरूरी है सर, जब भी लिस्टेड कंपनी की बात आएगी सेबी के पावर्स में तो रीजन टू बिलीव दैट कंपनी किसमें इंडल्ज है, इंडल्जिंग इन इनसाइडर ट्रेडिंग। जब भी लिस्टेड कंपनी और इंटेंट टू बी लिस्टेड कंपनी की बात आएगी तभी आपको एक चीज जरूर चेक करनी है, और वो चीज क्या है, क्या है वो चीज, इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशन होने चाहिए, अदरवाइज कोई पावर नहीं है ऐसे सर्च करने के। बोर्ड इज वेस्टेड विद सेम पावर एज ऑफ द सिविल कोर्ट, सर हजार बार पढ़ चुके हैं।
ठीक है, कि सेबी के पास भी क्या है, सेम पावर्स है जो किसके पास है, सिविल कोर्ट के पास, वाइल ट्राइंग ए सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग अ मैटर। ठीक है, बस इसमें क्या लिखा गया, इसमें दो चीजें ऐड की गई, एक इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स किस चीज के, लिस्टेड कंपनी के, सॉरी लिस्टेड ऑफ एनी पर्सन लिस्टेड एज इन सेक्शन 12, और सेक्शन 12 में है इंटरमीडियरी, सेक्शन 12 में है इंटरमीडियरी, और अगला किसका है, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी विच इंटेंड टू गेट इट सिक्योरिटी लिस्टेड। तो ऐसे में आपके पास क्या होने चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए, क्या इस चीज के, इनसाइडर ट्रेडिंग वाले। ठीक है, लास्ट वही है इश्यूइंग कमीशन, सिंपल है सर, वैसे का वैसे दे रखा है। अब सेबी कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है, कह रहे सेबी आइदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या इंक्वायरी पेंडिंग है, या ऑन कंप्लीशन या कंप्लीशन होने पे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, नीचे लिखे हुए ऑर्डर पास कर सकता है। द सेबी में बाय एन ऑर्डर फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज मार्केट टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर, आइदर या तो वहां पे पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन या कंप्लीट हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, यानी इंटीरियम ऑर्डर भी कह सकते हैं और इसे फाइनल ऑर्डर भी कह सकते हैं, इंटीरियम ऑर्डर भी कह सकते हैं और फाइनल ऑर्डर भी कह सकते हैं। इंटीरियम कब, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा ना पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब इंटीरियम, और कंप्लीशन का मतलब दैट इज फाइनल। तो कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, सस्पेंड किया जा सकता है उस सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग जिसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ और पता चला कि कोई सिक्योरिटी में मैनिपुलेशन चल रहा है, गलत तरह से हो रहा है, तो सस्पेंड कर दिया किस चीज को, ट्रेडिंग को, रिस्ट्रेन कर दिया उस पर्सन को फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट, और उसे मना कर दिया कि तुम क्या नहीं करोगे, बाय सेल और डील नहीं कर सकते किस चीज में, सिक्योरिटीज में। पढ़ा था ना आईसीडीआर में आया था ये, आईसीडीआर में जब एलिजिबिलिटी चेक कर रहे थे तो वहां लिखा था ना कि आप ऐसा ना हो कि सेबी ने आपको डी बार कर रखा हो, क्या करने से, सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस करने से, तो यहां पे ही कर रहा है। सस्पेंड किया जा सकता है किसी ऑफिस बीयरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को। अब ऑफिस बीयरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या, कि स्टॉक एक्सचेंज का कोई ऑफिसर है जिसको पता चला था कंपनी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन और उसने उसका गलत फायदा उठाया, और गलत फायदा उठाया तो उसे क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, फिर इंपाउंड किया जा सकता है और रिटेन किए जा सकते हैं वो प्रोसीड और वो सिक्योरिटीज जिसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इंपाउंड मतलब आप जब्त कर सकते हो, बाइक होती है ना इंपाउंड की जाती है, जब आपके पास बाइक के कागज ना हो, आपके पास गाड़ी के कागज ना हो, तो पुलिस ऑफिसर उसे इंपाउंड कर लेता है। ठीक है, पढ़कर आए थे ना ये, वहां पे भी पढ़कर आए थे स्टैम्प एक्ट में, कि अगर मान लो किसी डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर स्टैम्प नहीं है और किसी अथॉरिटी के आगे प्रेजेंट किया, और अगर वो अथॉरिटी ऑथराइज है तो वो क्या कर रही थी, इंपाउंड कर रही थी। तो इंपाउंड और रिटेन कर सकते हैं, प्रोसीड मतलब पैसा और सिक्योरिटीज को जिनके रिगार्डिंग क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। डायरेक्ट किया जा सकता है किसको, इंटरमीडियरी को, कि तुम डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, एल्यूनिएट नहीं करोगे वो एसेट जिस, वो जो एक ट्रांजेक्शन का पार्ट है और जो ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन, कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती तुम डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, एलिनिएट नहीं करोगे वो एसेट जिसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और लास्ट अटैच किया जा सकता है कितने दिन के लिए, मैक्सिमम 90 डेज के लिए, किस चीज को, बैंक अकाउंट को और अदर प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है मैक्सिमम 90 डेज के लिए, किसको, बैंक अकाउंट को और अदर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमीडियरी और पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट इन्वॉल्व इन वायलेशन, जो वायलेशन में इन्वॉल्व है रूल्स रेगुलेशन के, तो बैंक अकाउंट सीज कर लो, प्रॉपर्टी अटैच कर। हालांकि विद इन 90 डेज ऑफ सेड अटैचमेंट आपको क्या करनी है, कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी है किससे, स्पेशल कोर्ट से, और सच अटैचमेंट शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग एंड ऑन कंक्लूजन ऑफ सेट प्रोसीडिंग प्रोविजन ऑफ 28A अप्लाई, दैट मीन्स आगे स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर है कि आप रख सकते हो या वापिस देना पड़ेगा। सिर्फ वही प्रॉपर्टी, वही बैंक अकाउंट अटैच किए जा सकते हैं जो ट्रांजेक्शन में एक्चुअल में इन्वॉल्व है, इट रिलेट टू द प्रोसीड एक्चुअली इन्वॉल्व इन वायलेशन, कह रहे वही प्रॉपर्टी, वही अकाउंट या बैंक अकाउंट और अकाउंट्स और एनी ट्रांजेक्शन एंटर देयर इन, एज फॉर इट रिलेट टू प्रोसीड एक्चुअली इन्वॉल्व इन वायलेशन, कह रहे कि वो बैंक अकाउंट जिससे एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई है ना, सिर्फ उसी को अटैच किया जा सकता है, सारे बैंक अकाउंट, यानी मान लो मेरे 5 बैंक अकाउंट है और मैंने सिर्फ एक अकाउंट से गलत काम किया है,
बोले मेरे 500 नहीं, सिर्फ आप उसी को अटैच करोगे जिसके रिगार्डिंग आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। और कोई भी ऑर्डर इश्यू करने से पहले हमें पता है ना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर दी जाती है। सर ये तो सिंपल ही था, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि सेबी ड्यूरिंग, ये ऊपर लिख भी लो, ठीक है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या ऑन कंप्लीशन, ठीक है, ड्यूरिंग भी हो सकता है और कंप्लीशन पे भी हो सकता है, दोनों चीजें। तो ये आपके पॉइंट्स दे दिए गए, सस्पेंड करना, ये सब चीजें करना। लिवाय ऑफ पेनल्टी, अब पेनल्टी पढ़ेंगे आगे, पेनल्टी का तो पूरा एक सेक्शन है आपका यहाँ पे। तो पेनल्टी कहाँ दी गई है, 15A से देखो, इतनी सारी पेनल्टीज है और सारी पढ़नी है। तो सेबी क्या कर सकता है, बाय ऑर्डर फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग पेनल्टी लगा सकता है इन सेक्शन के अकॉर्डिंग, किसके बाद, इंक्वायरी करे करने के बाद, आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी, जब पता चला कि आपने वायलेशन किया, जब कंफर्म हो गया क्या, कॉन्ट्रावेंशन, जब क्या हो गया, कंफर्म हो गया कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो क्या किया जाएगा, लिवाई की जाएगी पेनल्टी, और इन सेक्शन के अकॉर्डिंग, इन सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इवन आपको डिसगोर्जमेंट करने के लिए भी बोला जा सकता है, इवन आपको क्या करने के लिए बोला जा सकता है, डिसगोर्जमेंट करने के लिए भी बोला जा सकता है। और जो अमाउंट इकट्ठा होगा किससे, डिसगोर्जमेंट अमाउंट, चाहे वो सेकरा एक्ट में पढ़ा हो आपने, चाहे वो डिपोजिटरी एक्ट में पढ़ा हो, चाहे सेबी एक्ट में पढ़ा हो, या सेटलमेंट से जो पैसा इकट्ठा होगा, ये सारा पैसा कहाँ जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में जाता है, और यूटिलाइज सेबी किसके अकॉर्डिंग करेगा, जो रेगुलेशंस बनाई है उनके अकॉर्डिंग करेगा। डिसगोर्जमेंट का अमाउंट हो प्लस सेटलमेंट का अमाउंट हो, तो था ना कि अगर आपने वायलेशन किया लेकिन आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं, आप एक तरह से कंपाउंडिंग कराना चाहते हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब ये देख लो, सबकी रेफरेंस दे रखी है, सेकरा की रेफरेंस दे रखी है, डिपोजिटरी एक्ट की रेफरेंस दे रखी है, और 11B सेबी एक्ट का दे रखा है, 11B सेबी एक्ट का दे रखा है, 12A सेकरा का दे रखा है, 19 डिपोजिटरी का दे रखा है। इसी तरह सेटलमेंट में 15JB ये सेबी का है, 15JB आप पढ़ो भी गए, 23JA सेकरा का है, और 19IA डिपोजिटरी एक्ट का है। कह रहे ये चाहे इस एक्ट के अकॉर्डिंग हो, चाहे सेकरा के हो, चाहे डिपोजिटरी एक्ट के अकॉर्डिंग हो, अमाउंट ऑफ डिसगोर्जमेंट और सेटलमेंट कहा जाता है, IPEF में ही जाएगा, और कैसे यूज करना है वो रेगुलेशंस में लिखा है। डन, ये तो सिंपल है सर। ये 10 लाख आरबीआई की पावर है, अगर आपको आरबीआई की एक पावर याद हो आरबीआई एक्ट में, कि आरबीआई किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी कंपनी को या किसी भी एनबीएफसी को या किसी भी पर्सन को जो मनी मार्केट में डील कर रहा है उसको रोक सकता है, क्या करने के लिए, क्या करने से, उसे रेज करने से पैसा, वो सारी चीजें लगभग वैसी है। तो पावर ऑफ सेबी क्या है, अगर कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहा है, अगर कोई ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने जा रहा है, या कोई एडवर्टाइजमेंट इशू कर रहा है जिसके थ्रू वो सोलिसिट कर रहा है मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो सेबी की पावर है रेगुलेट करने की और प्रोहिबिट करने की। सर क्या कह रहे हो आप ये, अरे याद है ना हमने क्या पढ़ा था, अगर आप क्या लेकर आ रहे हो, अगर आप आईपीओ लेकर आ रहे हो, तो आपने ड्राफ्ट ऑफर लेटर या ऑफर डॉक्यूमेंट किसके पास फाइल किया था, सेबी के पास फाइल किया था। सर एफपीओ ला रहे थे तो भी फाइल किया था, सर बायबैक ला रहे थे तो भी फाइल किया था, सर डीलिस्टिंग ला रहे थे तो भी किया था, इसका मतलब सब कुछ किससे पूछ के होता है, सेबी से पूछ के होता है। अब सेबी क्या करेगा, सेबी के पास रेगुलेट करने की पावर है और प्रोहिबिट भी करने की पावर है। रेगुलेट मतलब सेबी चेंजेस बता सकता है कि अगर आपको करना है तो ये चेंजेस कर दो, और आप क्या कर सकते हो, आईपीओ ला सकते हो, एफपीओ ला सकते हो, बायबैक कर सकते हो, लेकिन सेबी हर जगह कमेंट देता था, याद है, आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया, सेबी ने कमेंट दिए चेंजेस करो, आप राइट इश्यू के लिए जा रहे हो, आपने लेटर ऑफ ऑफर फाइल किया सेबी के पास, सेबी ने कमेंट दिए चेंजेस करो। तो ये बात कर रहे वही वाली कि सेबी की पावर है क्या करने की, सेबी बाय रेगुलेशन, सेबी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन द मैटर रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल। सेबी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ मैटर किससे रिलेटेड,
इश्यू कैपिटल से, ट्रांसफर सिक्योरिटी से और अदर मैटर से, और सेबी स्पेसिफाई कर सकता है मैनर। सेबी ने स्पेसिफाई किए मैटर्स और सेबी ने स्पेसिफाई किया मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी। कह रहे सेबी किस मैटर, इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और सच अदर मैटर्स, ये स्पेसिफाई भी कर सकता है बाय रेगुलेशन की करने कैसे है, और मैनर भी बता सकता है। मैनर तरीका बता दिया ना, इनका डिस्क्लोजर कैसे करना है, कैसे आप इन्हें डिस्क्लोज करेंगे। और से भी दूसरा क्या था, प्रोहिबिट। तो से भी प्रोहिबिट भी कर सकता है किसी कंपनी को फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सोलिसिटिंग मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी। या पहला सेबी ने ऑर्डर से प्रोहिबिट किया, और दूसरा सेबी ने स्पेसिफाई की कंडीशन सब्जेक्ट टू विच, यानी कमेंट दे दिए कि अगर तुम्हें करना है, अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेगी। तो स्पेसिफाई द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट इफ नॉट प्रोहिबिटेड मे बी इश्यू। अगर प्रोहिबिट नहीं किया है तो फिर वो कंडीशन बता दी जिन पे आप क्या कर सकते हो, इश्यू कर सकते हो। तो सेबी ने स्पेसिफाई किया रेगुलेशंस बना के कि कौन से मैटर्स और क्या मैनर, कौन से मैटर और किस मैनर में आपको डिस्क्लोज करने हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर कहूं तो सेबी ने रेगुलेशन बना के क्या बोला, कौन से मैटर और मैनर क्या करने का, डिस्क्लोज करने का, कि कौन से मैटर डिस्क्लोज करने हैं और किस तरह से डिस्क्लोज करने हैं द मैनर। और ऑर्डर इश्यू करके क्या बोला, पहली चीज मना है, दूसरी चीज अलाउड है, लेकिन कंडीशन क्या करो, फुलफिल करो। पहला तो क्या कर दिया, मना ही कर दिया। तो बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मना कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, या कंडीशन बता सकता है जो फुलफिल करोगे तो फिर आप क्या लेकर आ सकते हो, इश्यू ऑफ कैपिटल लेकर आ सकते हो। डन है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, सेबी की पावर है टू रेगुलेट सीआईएस। ये अभी के लिए एक बार मैं छोड़ रहा हूं, सिर्फ आप इसे रीड कर लो चाहो तो, क्योंकि ये जब तक हम सीआईएस नहीं पढ़ेंगे तब तक उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। तो सेबी की पावर है, सेबी प्रोवाइड दैट एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच सेटिस्फाई द कंडीशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 2 और सेक्शन 2A शैल बी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सेक्शन 11 में क्या लिखा है, 11 का सबसेक्शन 2 और 11 का 2A में वो कंडीशंस लिखी हैं। अब कंडीशन आपने देखो क्या पढ़ी थी, आपने 11 का 2 पढ़ा, 11 का 2 पढ़ा, और इसमें लिखा था ना कि सीआईएस को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। आपने पढ़ा ना सीआईएस को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, रजिस्ट्रिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल सीआईएस इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। तो यही तो लिखा है। तो यहां पे इसे स्पेसिफाई भी किया गया है आगे जाके, इसे मतलब इस पूरा तरह से स्पेसिफाई किया गया है कि कोई भी सीआईएस जो 2 और 2A की कंडीशन सेटिस्फाई कर दे उसे हम क्या कह देंगे, सीआईएस की तरह रजिस्टर कर लेंगे। सीआईएस रजिस्टर कब होगी, जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड करे 2 और 2A की। ठीक है, और फिर क्या नहीं होनी चाहिए, अगर कोई स्कीम जिसमें पूल ऑफ मनी हो रही है, ऐसी स्कीम जिसमें पैसा इकट्ठा किया जा रहा है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के पास, या कवर्ड नहीं है सबसेक्शन 3 में, तो सबसेक्शन 3 क्या दिए गए हैं, एक्सेप्शन दिए गए, लेकिन उसमें पैसा कितना है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वो डीम्ड सीआईएस है। तो वो क्या है, डीम्ड सीआईएस है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है कहीं और कवर्ड नहीं है सबसेक्शन 3 में, रजिस्टर्ड भी नहीं है किसी भी, जैसे म्यूचुअल फंड नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड होता तो फिर सीआईएस नहीं होता, या वेंचर कैपिटल फंड नहीं है, रजिस्टर भी नहीं है, और सेक्शन सॉरी सबसेक्शन थ्री में भी फॉल नहीं कर रही है, सबसेक्शन 3 में भी फॉल नहीं कर रही है, लेकिन पैसा किससे ज्यादा है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसे क्या माना जाएगा, डीम्ड सीएस। नीचे यही लिखा है, फुल पढ़ना हो तो चैप्टर नंबर 13 में जाओ, चैप्टर नंबर 13 बाकी है अभी करेंगे। पावर टू इश्यू डायरेक्शन, तो सेबी क्या कर सकता है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेबी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, प्रिवेंट द अफेयर्स डेट्रीमेंटल होने से बचाने के लिए,
या प्रॉपर मैनेजमेंट सिक्योर करने के लिए, तीन चीजें दी हैं, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट द अफेयर्स, अफेयर्स को डेट्रीमेंटल होने से बचाने के लिए, या प्रॉपर मैनेजमेंट सिक्योर करने के लिए, से भी क्या कर सकता है, आफ्टर इंक्वायरी इश्यू कर सकता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किसको दे रहा है, ठीक है, डायरेक्शन किसको दे रहा है, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज मार्केट से, या कोई भी कंपनी किस चीज के रिगार्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर, तो मैटर भी दे दिए, डायरेक्शन इन मैटर्स के रिगार्डिंग होगी, इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और अदर मैटर जो भी होंगे इंसिडेंट, डन। अब पावर टू इश्यू डायरेक्शन में शामिल है पावर क्या करने का, डायरेक्ट एनी पर्सन टू डिस्कोच, दैट मीन्स पावर टू इश्यू डायरेक्शन इंक्लूड द पावर टू डायरेक्ट एनी पर्सन, जिसने कोई गलत तरीके से प्रॉफिट कमाया है, कि उसे क्या करने के लिए कहा जा सकता है, टू डिसगोर्ज एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द रॉन्गफुल गेन मेड और लॉस अवर्टेड बाय सच अ कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। पावर टू डायरेक्ट टू डिसगोर्ज, और ये पैसा कहां जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में जाता है, सर हम पढ़ चुके हैं, डन भाई। अब कल स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन, आज नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन, कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पूरा बड़ा टॉपिक है और बहुत टाइम लगेगा इसको कराने में। ठीक है, पेज नंबर है आपका 1.17, सेबी की पावर टू एडजुडिकेट, पेज नंबर 1.17, सेबी की पावर टू एडजुडिकेट, होमवर्क आप चाहे लिख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डन, ठीक है, मेरी तरफ से होमवर्क है, आप चाहो तो लिख सकते हैं, ऑलरेडी डन। फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ऑलरेडी डन। सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग, ऑलरेडी डन, लेकिन यहीं से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि सेक्शंस बदल गए, वहां सेक्शंस अलग थे, यहां सेक्शंस अलग है, ठीक है, सिर्फ सेक्शन बदले हैं, सेटलमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ सेक्शंस बदले हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग करना यहीं से है, सिर्फ सेक्शंस बदले हैं, बाकी सब वही का वही, डन। नेक्स्ट आओ, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पेज नंबर 1.24, पेज नंबर 1.24, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बना लो, टू इशू डायरेक्शंस सुपरसीड सेबी, और तीसरा ग्रांट इम्यूनिटी, टू ग्रांट इम्यूनिटी। अब पहली गैस सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इश्यू कर सकता है, किसके रिगार्डिंग, क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी के रिगार्डिंग, कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इश्यू कर सकते हैं सेबी को, किस चीज के रिगार्डिंग, क्वेश्चन ऑफ पॉलिसीज के रिगार्डिंग, कि सेबी को पॉलिसीज कैसी बनानी चाहिए, सेबी को कैसे काम करना चाहिए, कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देगी कोई भी डायरेक्शन थोपने से पहले, दैट मीन्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर सच डायरेक्शन इज गिवन, लेकिन डिसीजन क्या है, सीजी का फाइनल होगा, डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, फाइनल है, डन। टू सुपरसीड सेबी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कब होगा, ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेव इमरजेंसी, ऐसी इमरजेंसी आ गई कि बोर्ड अनेबल टू डिस्चार्ज, अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बोर्ड परसिस्टेंटली कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्ट कर रहा है, और क्या करने में, डायरेक्शन मानने में, अपने फंक्शंस का डिस्चार्ज करने में, और इसकी वजह से क्या हो चुका है, सेबी की फाइनेंशियल पोजीशन और एडमिनिस्ट्रेशन डेटेरियोरेट हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है, डायरेक्शंस नहीं मान रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो, और एज ए रिजल्ट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई है,
तो सरकमस्टांसेस नेसेसरी बताते हैं, ऐसे सरकमस्टांसेस जो कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, सेबी को सुपरसीड कर दे, कितने टाइम पीरियड के लिए, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। तो इसके लिए क्या की जाएगी, एक पब्लिकेशन लाई जाएगी। पब्लिकेशन का इफेक्ट क्या है कि जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। जो पावर ड्यूटीज है कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नए अपॉइंट करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे, और जो प्रॉपर्टी है फिलहाल किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड से ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 6 महीने के अंदर अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी सेबी को, क्या करके, फ्रेश अपॉइंटमेंट करके। और वो पहले वाला पर्सन जिसे हटाया था, अगर वो क्या नहीं है, डिसक्वालिफाइड नहीं है, तो उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, फिर एक्शन टेकन आप किसके आगे रखोगे, पार्लियामेंट के आगे। तो ये फुल रिपोर्ट कि सुपर सेशन किया था और जो भी आपने अपॉइंट वगैरह किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, ये किसके आगे रखी जाएगी, पूरी रिपोर्ट पार्लियामेंट के आगे। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, ये आपका होमवर्क है, एग्जैक्ट चैप्टर 1 है। ऊपर वाला भी वैसे तो चैप्टर 1 का ही था एग्जैक्ट, बट फिर भी मैंने पढ़ा दिया। डन। हाँ है तो वही, रिकवरी ऑफ अमाउंट पर आओ, रिकवरी ऑफ अमाउंट पे आओ, 1.29 रिकवरी ऑफ अमाउंट डन। चैप्टर नंबर 1 में रिकवरी ऑफ अमाउंट डन। सिर्फ क्या एडिशन है यहाँ पे, यहाँ रिकवरी ऑफिसर आपको समझाया, रिकवरी ऑफिसर का मतलब ऑफिसर ऑफ सेबी जो ऑथराइज है क्या करने के लिए, रिकवरी ऑफिसर की पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। रिकवरी ऑफिसर चाहे तो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी ले सकता है अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो क्लेम है सेबी का, ये सब चीजों से ऊपर है। दैट मीन्स रिकवरी ऑफ अमाउंट बाय रिकवरी ऑफिसर पर्सन टू नॉन कंप्लायंस सेक्शन 11B, 11B मतलब डिसगोर्जमेंट। ठीक है, अगर डिसगोर्जमेंट वाला अमाउंट रिकवर करना है जो आपने गलत तरीके से कमाया है, तो इसकी प्रायोरिटी है बाकी किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और उस कोर्ट में भी पैसा देना हो, तो पहले पैसा किसको मिलेगा, रिकवरी ऑफिसर को मिलेगा। मतलब एक पैसा है, उसको क्लेम करने वाले 4 लोग हैं, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, किसी और ने भी ऑर्डर दे दिया, तो पहली प्रायोरिटी किसकी है, अगर वो डिसगोर्जमेंट वाली चीज है तो पहली प्रायोरिटी रिकवरी ऑफिसर की है, तो पहली प्रायोरिटी रिकवरी ऑफिसर की है। कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग डन, आप पढ़ लेंगे एक बार, कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग डन। क्लियर है भाई? डन। ठीक है, आई थिंक बहुत है, 10 पेज के अराउंड तुम्हारा हो गया। ठीक है, 10 पेजेस के अराउंड तुम्हारा हो गया, हो सकता है ये तुम्हारा कल और परसों, मतलब 2 दिन में हो भी जाए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। अभी सिर्फ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी है, वो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन है, जो अभी हमने आज छोड़ दिया, अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वही तुम्हारा एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रह रहा है, बाकी सब तुम्हारा लगभग हो गया है। ठीक है, पेनल्टीज हैं बहुत सारी, बट आसान है, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, लेकिन आसान है। डन है भाई? डन। किसी का कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मेरी तरफ से आज की क्लास डन, फटाफट से रिप्लाई कर दो, करना भाई रिप्लाई फटाफट से। ठीक है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी है प्रॉपर, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।